गोया के इमाम ने जाते जाते बता दिया, हुसैनियो कुछ भी करना मगर नमाज के वक्त में नमाज जरूर पढ़ लेना। बहादुर हो तो ऐसा हो, शुजात वाला हो तो ऐसा हो। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास अपने भाई को तलब किया, भाई यके बाद दीगरे सब चले गए, अपने जवान बेटे की लाश को मैंने ला के रखा, जवान भतीजे की लाश को मैंने ला कर रखा, अब मुझसे देखा नहीं जाता, अब मुझे जाने का मौका दिया जाए। तब हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा था, भाई ये कैसे हो सकता है कि आपका भाई मौजूद रहे और आप मैदान करबला में चले जाएं? ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक इस भाई की आंखों में रोशनी है और इस भाई के दिल की धड़कनें जब तक चलेंगी, ये भाई कभी गवारा नहीं करेगा कि आप यजीदियों के सामने जाएं और जंग करें और आपका भाई बेटा तमाशा देखता रहे। ये कभी आपका भाई गवारा नहीं करेगा। अभी ये बातें चली रही थी कि अंदर से खैमे के अंदर से एक रोने की आवाज बुलंद होती है, का कौन रो रहा है? हजरत अब्बास ने उठकर जाकर देखा तो हजरत सकीना जारो कतार रो रही थी। अब्बास अलमबरदार ने सकीना को देखा तो चेहरा जर्द पड़ चुका है, चेहरे पर जर्दी के आसार नमूदार हैं। हजरत अब्बास ने खेमे की औरतों से पूछा, और तो ये बताओ सकीना इस कदर तेजी के साथ रोई तो रोई क्यों है? आखिर इनके रोने की वजह क्या है? घर की औरतों ने कहा, अब्बास रोने की वजह तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, जरा एक नजर इनके चेहरे को तो देखो, प्यास की बिना पर इनका चेहरा पीला हो चुका है। अब्बास सकीना आज लगभग 4 साल की हो चुकी, अब सकीना क्यों रो रही है आपको सब पता है, क्यों जारो कतार रो रही है? अब्बास देखो तो सही, और ना सिर्फ सकीना के चेहरे को देखो बल्कि हमारे चेहरों को भी पढ़ लो। अब्बास हमारे चेहरे भी कुछ बोलते नजर आएंगे। सकीना का चेहरा ही नहीं बोल रहा है, हमारे चेहरे भी बोल रहे हैं। मालूम है तुम्हें अब्बास, 3 दिन से कुछ मिला नहीं है, जितना पानी मशकीजे के अंदर था सब खत्म। अब्बास सकीना का तो रोना देखो मगर सकीना के साथ साथ अली असगर को भी तो देखो। अब्बास ने जब अहले बैत के इन छोटे छोटे चश्मों चिरागों के जब ये हालात देखे तो बस दिल मुंह को आने लगा, पलट कर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं, भाई अब जितनी बातें आपके और मेरे दरमियान हुई थी वो सारी बातें छोड़िए, अब मुझे मैदान कारजार में जाने का मौका अता फरमाइए। इस अब्बास से सकीना की प्यास देखी नहीं जाती, असगर की जबान के सूखेपन को देखा नहीं जाता, खैमे की औरतों की तड़प को देखा नहीं जाता। हुसैन अब अब्बास को जाने का मौका दिया जाए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अब्बास अब अगर तुमने ठानी लिया है, फैसला कर ही लिया है तो तुम्हारी मर्जी, चले जाओ मैदान कारजार में। अब्बास खैमे के अंदर आए, अपने मशकीजों को अपने कंधे पर डाला, घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर सवार जैसे अभी इमाम साहब ने बयान किया, घोड़े पर सवार होने के बाद मैदाने कारजार में चले। यजीदियों ने देखा कि अब्बास आ रहे हैं, और अब्बास भी जो अलमबरदार थे, अलम को हाथों में पकड़े थे, यजीदी समझ गए अब्बास वो कि जिनके हाथों में अलम था। ऐलान किया गया, यजीदियों सुनो, हुसैन आजम ने अब्बास के हाथों में अलम दिया था, अलम, अब सोच लो, गौर व खोज कर लो, अलम
कलम उसके हाथों में दिया जाता है जिसके बाजू में ताकत और कुव्वत हुआ करती है। बोले बोले लहक के बोले सुभान। अब अब्बास का नंबर है, अब्बास चले आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बास की नोके तलवार हो हमारी गर्दने हो, अब्बास की तलवार चले हमारे जिस्म जमीन पर गिरे, इसलिए तैयार हो जाओ। अब्बास मामूली ताकत और कुव्वत के इंसान नहीं, अपने घोड़ों को तैयार कर लो, अपने आप को तैयार कर, तैयार कर लो अपनी तलवारों को, तैयार कर लो अपनी तलवारों को, नियाम से बाहर निकाल लो। यजीदी तैयार, एक यजीदी ने आवाज लगाई, हो जनाब अब्बास मशकीजे को लेकर आ रहे हैं, लगता है कि नहरे फरात पर जाने की तैयारी। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना सब। एक यजीदी बोला, अब्बास मशकीजे को लेकर आए, ऐसा महसूस होता है कि नहरे फरात पर जाने की तैयारी। दूसरे ने कहा, सुनो यजीदियों, अगर अब्बास की पहुंच नहरे फरात तक हो गई, अगर अब्बास मशकीजे में पानी ले गए, तो याद रखना आज हम 22,000 के लश्कर जर्रार की शक्ल में खड़े हैं। अगर अब्बास मशकीजे में पानी लेकर खैमों तक पहुंच गए तो 22,000 तो खुदा, 22,00,000 भी होंगे तो सबको फना कर देंगे। तवज्जो है, मशवरा किया तो क्या किया जाए, कैसे अब्बास को रोका जाए कि नहरे फुरात तक ना पहुंचे, किस तरह से अब्बास को रोका जाए कि नहरे फुरात तक इनकी रसाई ना हो। यजीदियों ने कहा, एक ढाल बना लो, चारों ढाल बना लो, दीवार की तरह खड़े हो जाओ, नहरे फुरात के सामने दीवार की तरह खड़े हो जाओ, अब्बास नहरे फुरात तक पहुंच ना सके। वहां पहुंच गए तो सोच लेना तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। तवज्जो रखना, अब्बास अपने घोड़े की घोड़े को एड़ लगाकर मैदाने करबला की तरफ रवा दवा, इधर यजीदी नहरे फुरात की तरफ तरतीब के साथ दीवार बनाकर खड़े हो जाते हैं। गोया के यजीदी अपने मन में यह सोच रहे थे कि अब्बास को आज हम गुजरने नहीं देंगे, अब्बास को आज हम अपने दरमियान से निकलने नहीं देंगे, अब्बास के बस की बात नहीं है कि वो हमें चीर कर यहां से जा सके, अब्बास के बस की बात नहीं है कि वो हमें अपनी जगह से हिला सके। बड़े बड़े बहादुर पहलवान एक दीवार की शक्ल बनाकर खड़े हो गए, और हर बहादुर डींगे मारता था कि अब्बास मुझे अपनी जगह से हिला नहीं सकेंगे। बड़े बड़े बहादुर बोलते थे कि अब्बास हमारी तलवार की ताब नहीं ला सकेंगे। जब अली का शेर मैदाने करबला में आगे बढ़ता गया, इस दीवार के करीब पहुंचा, तो प्यारे अली के शेर ने एक ऐसी चमकदार तलवार का वार किया कि जो दीवार अपने आप पर फख्र करती थी, जो समझते ये थे कि हटेंगे नहीं, वो पूरी दीवार की तलवार के साए में जमीन पर गिरी पड़ी थी। अब्बास ने बता दिया था। अरे बातिलो, ये अब्बास अली का शेर है, इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है। एक दीवार तो खुदा, अगर 10-15 दीवार होती, अकेला अब्बास काफी हो जाता। तो जो है परेशान तो नहीं हूं, दीवार को जो धक्का लगाया है, सब यजीदी एक तरफ पड़े हैं, यजीदी पड़े हजरत अब्बास नहरे फरात में, हजरत अब्बास नहरे फरात में। वफादार हो तुम, वफादार हुसैन है कि हो के नहीं हो, अरे वफादार हुसैन हो के नहीं हो,
तो वफादारी का सबूत देते रहना। विदाउट वफादारी हुसैन की मोहब्बत काम नहीं आएगी। और सिर्फ दावाए वफादारी और काम ना हो वफादारी का, तब भी मोहब्बत काम नहीं आएगी। दावेदारी के साथ सबूत भी हो। अदालत में जाओगे ना, अदालत में अगर तुमने दावा कर दिया कि ये मेरा खेत है, तो भैया मेरे खेत के साथ साथ सबूत भी देना पड़ता है। बगैर सबूत के जज मान लेगा आपकी बात? बोलिए, बगैर सबूत के जज आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। अब तुम जब मैदान मैसर में जाओगे, कई कहोगे अरे परवरदिगार आलम, हम तो बड़ी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, बड़ी मजलिस से सजाते थे, बड़े जलसे जुलूस करते थे, इमाम हुसैन के नाम पर बड़े लंगर लुटाए, इमाम हुसैन के नाम पर हमने बहुत कुछ किया है, परवरदिगार आलम इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम अपने अपने मोहल्लों गली मोहल्लों में निकलते थे और शोर शराबा जो आजकल हो रहा है ये सब कुछ करते थे। परवरदिगार आलम कहेगा ये बता, इमाम हुसैन की बातों को भी माना था कि नहीं माना था? अगर गुलामे हुसैन ने बोला हाँ मौला, इमाम हुसैन ने जो किया और जो कहा मैंने उन सब बातों को मान लिया, तब परवरदिगार आलम कहेगा अगर तूने इमाम की बातों को माना तो जा जन्नत में चला जा और इमाम हुसैन की गुलामी का पट्टा गले में डाल ले। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। आज 10 मुहर्रम अल हराम है, चचा को ख्याल है और ये ख्याल नहीं, मैं आगे ना आप सोचेंगे पता नहीं क्या करेंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं क्या अर्ज कर रहा था, हाँ मैदान मैशर में अगर कोई कहे परवरदिगार आलम मैंने तो इमाम हुसैन के नाम पर बहुत कुछ किया है, मजलिस से सजाई थी, रब कहेगा बातें मानी थी कि नहीं मानी थी, तरीका अपनाया था कि नहीं अपनाया था, का मतलब कौन सी बातें, कौन सा तरीका, क्या बातें ये थी कि इमाम हुसैन बोलते थे कभी मेरे नाना ने नमाजें नहीं छोड़ी, मैंने भी कभी नमाजें नहीं छोड़ी, मेरे गुलाम भी कभी नमाजें ना छोड़े। ये पैगाम है आज का, का तरीका ये कभी हुसैन ने झूठ नहीं बोला, तरीका ये कभी हुसैन ने झूठ के आगे सर नहीं झुकाया, तरीका ये कभी इमाम हुसैन ने शराबी जानी से समझौता नहीं किया, तरीका ये कभी इमाम हुसैन गलत जगहों पर नहीं बैठे, तरीका ये कि कभी भी इमाम हुसैन ने जुआरियों का साथ ना दिया, तरीका ये कभी इमाम हुसैन ने शराबियों का साथ ना दिया, तरीका ये कभी इमाम हुसैन ने दगाबाजों का साथ ना दिया, धोखेबाजों का साथ ना दिया, धोखाधड़ी करने वालों का साथ ना दिया, धोखाधड़ी करने वालों का साथ ना दिया। तो अब समझ लो, तरीका भी पता लग गया, कौल भी पता लग गया, अगर सच्चा हुसैनी है तो नमाजें भी पढ़ेगा, झूठ से भी अपने आप को बचाए। ये है तरीका इमाम हुसैन। अब खाली डींगे मारते रहो, ढोल ताश है ये भाई, मैं कैसे कह दूं सच्ची मोहब्बत है? हाँ मैं मानता हूँ अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तकूलू लमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह मुवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। ठीक है, इमाम हुसैन अल्लाह की राह में शहीद किए गए, हमें गुंजाइश नहीं कि हम मुर्दा बोले। मैंने एक जगह बोला था, भाई ये बताओ इतने जोश खरोश में ढोल बजा रहे हो आप, बिल्कुल बेतहाशा होकर के तड़ातड़ ढोल बजा रहे हो, ये बताओ क्यों बजा रहे हो? तो छूटते बोला गम मनाए क्या? तवज्जो। अरे मौलाना साहब तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम गम मनाए, ये कहो कि इमाम हुसैन मर गए? अरे माज़ल्लाह रब्बुल आलमीन। मैंने कहा भाई मैंने ये कब कहा कि इमाम हुसैन मर गए? मैं तो वो बोलता हूँ जो रब बोलता है। रब ने कहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है।
और उनकी जिंदगियों का हमें शऊर नहीं अल्लाह ने उनको किस तरह जिंदा रखा, मगर हमें मानना पड़ेगा रब ने फरमाया कि वो जिंदा है, हमें मानना पड़ेगा शहदाए करबला शहदाए इस्लाम जिंदा है। मैंने कहा मैं ही नहीं मानता कि वो मर गए, तो बोले जब वो मरे नहीं है तो हम खुशी मना रहे हैं। अल्लाह क्या साबित करना चाहते हो, खुशी जिंदा है तो इस बात की खुशी मनाते हो कि जब इमाम हुसैन के साथ में आपको कत्ल कर आप पर ज्यादती करके जो आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे, इस बात की खुशी मनाते हो? जिंदा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कतन, और जो इनकार करे कि नहीं मुर्दा में जिंदा नहीं मैं तो वो काफिर है। सुन लो जो ये कहे इमाम हुसैन मर गए कट गए खत्म हो गए माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन वो काफिर है, समझ लेना गांठ बांध लेना। जिंदा मानना पड़ेगा क्यों, क्योंकि रब ने कहा है, कोई और कहता तो मत मानते, अल्लाह और उसका रसूल बोलेगा तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ना मानोगे तो रास्ता नापो। बहुत हैं अल्लाह वाले, बहुत हैं अल्लाह की तारीफ करने वाले, तुम अल्लाह की नहीं मानते हो कोई बात नहीं, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है। हे 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 बोले यार मानना पड़ेगा। अब बुक बोले कि हम खुशी ना मनाए तो गमी मनाए, मैंने कहा चल ठीक खुशी मना किस चीज की, इस बात की खुशी कि इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया गया, इस बात की खुशी, इस बात की खुशी कि जैनब के सर से दुपट्टे को उतार कर फेंक दिया गया, इस बात की खुशी, इस बात की खुशी सकीना को प्यासा रखा गया, इस बात की खुशी, इस बात की खुशी 6 माह के अली असगर को प्यासा रखा गया, इस बात की खुशी, अरे किस बात की खुशी, अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को काट दिया गया, इस बात की खुशी, अरे किस बात की खुशी, वो कासिम 16 साल की भरी जवानी ने मैदान करबला में काट दिया गया, इस बात की खुशी, अरे बोलना किस बात की खुशी मनाएगा, बोल। अली अकबर सदिये मुस्तफा जिनके चेहरे को देखकर मुस्तफा का चेहरा याद आए, उस अली अकबर को मैदान करबला में काट दिया जाए, इस बात की खुशी मनाओगे? अरे तेरा बाप मर जाए तो वर्सी के मौके पर, बाप के वर्सी के मौके पर क्या चौराहों पर ढोल बजाएगा? अरे बोल यार, बोल बोल मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। माँ मर जाए माँ की वर्सी के मौके पर बोल चौराहे पर ढोल बजाएगा तो फिर कहेगा मेरी माँ तो मर गई इसलिए नहीं बजाऊंगा। इमाम हुसैन जिंदा हैं, मगर कम से कम उनके जुल्म को तैयार करो, यजीद ने तो जुल्म किया उसको तैयार करो यार, अरे करना है तो न्याज करो, करना है तो महफिल सजाओ, इमाम हुसैन के नाम की जिक्र करो, इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन के लिए कुरान पढ़ो। इमाम हुसैन ने तलकीन क्या की 3 तारीख को, मैंने कल बयान किया था, इमाम हुसैन ने पूरे घर वालों से ये कहा था कि कल 10 मुहर्रम अल हराम है और मैं मैदान करबला में जाऊंगा, सब लोग कुरान की तिलावत करें, लिख लो नोट कर लो इसको, पढ़ना चाहते हो तो दिखा दूंगा किताब, बकवास करना मुझसे आता नहीं है, सीधी डायरेक्ट बात करता हूं, सबूत चाहिए आइए मैदान में उतरिए, मगर ये नाजायज चीजों का सबूत कहां से मिल गया? सिर्फ इसलिए ना कि मजा आता है, हैं? यही तो और क्या बताइए क्या है, सुबह निकल गए 12 बजे से ढोल ताशे बजाने के लिए जोर की गई असर की गई पता ही नहीं, यानी जिसका कोई सबूत नहीं, जिसकी कोई फर्जियत नहीं, जिसको सुन्नत नहीं बोला गया, जिसको वाजिब नहीं बोला गया वो काम हम चौराहों पर करें, और जिसको फर्ज बोला गया उस काम को हम छोड़ दें, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा मुसलमान है? समझो, दिमाग की चाबियों को खोलो। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूं, कोई बुरा ना माने मेरी बात को, मेरा काम समझाना है, क्योंकि रब ने मुझे जो चीज अता की है मैं वो बात आप तक नहीं पहुंचाऊंगा तो कहां पहुंचाऊंगा, जंगलों में थोड़ी बोलूंगा। अल्लाह ने इल्म अता किया है, उस रब की अता से इस लायक रब ने बताया कि बोलने का मादा मिला, तो बोलकर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो किसको समझाऊं बताओ, मेरा काम समझाना है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोई भी मेरी बात का बुरियां बैठा हो वो भी, और जो सुन रहा हो अपने घर से वो भी, ठीक है, गलत बात की सपोर्ट नहीं, सही बात है तो सपोर्ट, फुल सपोर्ट।
सही बात है, शरीयत के मुताबिक है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, सहाबा कराम के अखवाल आपके कौलो फेल के मुताबिक है, बिल्कुल पूरा सपोर्ट। पहले निजामुद्दीन करेगा फिर आपसे कराएगा, पूरा सपोर्ट हर चीज का। मगर तमाशा मत बनाओ मेरे इमाम का, मेरे इमाम का तमाशा मत बनाओ। इमाम ने तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन संभाल कर हवाले कर दिया, थामो ये दीन, पकड़ो इसको, संभालो, और हमने दीन का ही मजाक बना दिया। देख लो क्या कुछ हो रहा है। मैंने अपनी मस्जिद में इसी जुमे को एक ऐलान कर दिया था ढोल ताशों के ऊपर। तो एक बेचारा था, बोला मैं इन इमाम के साथ, इन इमाम साहब के खिलाफ 12 जगहों से फतवे मंगाऊंगा। अरे मैंने, ये तो कमाल करता है, 12 जगह से, एक दर्जन, पूरे एक दर्जन, न इधर न उधर। मैंने ये काम कर यार, तू ऐसा कर, एक बार मुझसे मुलाकात, वो मेरे सामने नहीं आया, दूसरे से बोल रहा था, उसने सुना कि इमाम साहब ने तकरीर किया, और आदमी ऐसा था कि एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जुमे तक की नहीं पढ़ता यार, और दावे कर रहा है इमाम हुसैन की मोहब्बत के। कैसा कैसा आशिक हुसैन है, आशिक हुसैन ये बातें करेगा? आशिक हुसैन तो नमाजें पढ़ेगा, आशिक हुसैन तो जब मुहर्रम का महीना आएगा तो कुरान की रोज तिलावत करेगा, इमाम हुसैन के नाम की याद करेगा, इमाम हुसैन का आवाज़, इमाम हुसैन आपने क्या कुर्बानियां पेश की हैं, काश रब मुझे भी ऐसा हौसला आता फरमाए, ये बोलेगा, ये बोलेगा। अगर निकलना है रोडों पर तो निकलो, मगर तमाशे के साथ क्यों निकल लो इमाम हुसैन के नाम का? तरीके से निकलो, अंदाज से निकलो, इमाम हुसैन का नाम लेते हुए निकलो। जुलूस निकलते नहीं है क्या? जुलूस मोहम्मद ही नहीं निकलता है क्या? ढोल बजाते निकलते हैं क्या? लंगाड़े बजाते हैं, डांस करते हैं नौजवान लड़के? नहीं, देखो हमने देखा शाहबाद में, कई बता रहे थे, ढोल बजा रहा है, शराब पी के बजा रहा है ढोल आराम से, उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है, वो तो जो मस्त है वो उस पर असर पड़ेगा, बताओ। ये आज मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो गलत तरीके को इस्तेमाल करते उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, कहाँ से मैं आ गया था तेरे को? हाँ, हजरत अब्बास ने एक धक्का मारा जोर का कि बड़े बड़े पहलवान नीचे पड़े थे और फरात पर जाके कब्जे। अरे जहन है, भटके तो नहीं आप? बिल्कुल पहुंच गए, ठीक हो गई? देखते रहना अपने पास वाले कोई सो ना जाए आज, बिल्कुल मत सोने देना कतई, और सो जाए तो हिला दो, और उसको ये बता दो भाई सो मत। अरे चराग तले अंधेरा, मैं उधर बोल रहा हूँ कि सोने मत देना, तुम यही सो रहे मेरे सामने बैठ के। अरे चचा चचा, मेहनत ज्यादा करो लग रहा है दिन में, माशाल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात चली थी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, नहरे फरात पर पहुंचे। अब यहां बात ठहर कर बताऊं, ये अब्बास उस हुसैन का भाई है जिस हुसैन ने कभी गलत चीज से समझौता किया ही नहीं, उम्मत का सौदा किया ही नहीं, उम्मत का सौदा नहीं किया। अब्बास ने कब्जा किया फरात पर, तवज्जो, हजरत अब्बास के घोड़े के कदम पड़ गए फरात के अंदर, तवज्जो दरकार है। अब्बास ने जब फरात पर कब्जा किया तो नहरे फरात का पानी चीख कर बोल रहा था, बातिलो ये अली का घराना, अली का घराना, तुम अगर इस घराने को रोकना चाहोगे कि हम कब्जा ना होने देंगे तो ये उस पावर और हिम्मत वाले के अगर जिस चीज पर कब्जा करना चाहे तो तुम तो क्या, तुम्हारे तुमसे बड़े बड़े पावर वाले आ जाए वो ही नहीं रोक सकते। ये अली का घराना है, क्या समझते इस घराने को, क्या हल्का समझ लिया इस घराने को? नहरे फरात पर कब्जा, घोड़े के अगले पैर नहरे फरात में, अगले पैर नहरे फरात में, हजरत अब्बास अलमबरदार नहर के अंदर उतरे, मशकीजे में पानी भरा, यजीदियों ने देखा, ऐलान लगा यजीदियों
देख लो अब्बास जिस काम से आए थे कर रहे हैं, हमने सोचा ये था कि नहीं जाने देंगे, मगर अब्बास तो निकल गए, अब्बास आगे बढ़ गए, अब्बास हमारे हाथों से निकल गए। अब एक काम करो, इनको रोक लो, रोक, अगर ना रोक सके तो तुम अपनी नानियों को याद करोगे कि हमने अब्बास को जाने क्यों दिया। रोक लो इनको, रोक लो। अब्बास का घोड़े, अब्बास के घोड़े के जो अगले कदम थे, जो नहरे फरात में थे, जब मशकीजे में पानी भरकर घोड़े पर सवार हुए तो अब्बास ने घोड़े से कहा था, घोड़े हम तो प्यासे हैं ही, तू भी प्यासा है, पानी पी ले। ऐ घोड़े आज पानी तेरी निगाहों के सामने, जितना पानी चाहे पी ले, आज तुझे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि तेरे ऊपर अब्बास बैठा है। ऐ घोड़े जितना पीना चाहता है पी ले, किसी के माँ ने इतना दूध ना पिलाया जो तुझे रोके। घोड़े ने अपने अब घोड़े ने अपना मुंह पानी की तरफ को बढ़ाया करीब तक के पिए, मगर घोड़े ने उठा लिया। अब्बास ने पूछा, घोड़े पानी क्यों ना पिया, मैंने तो तुझे फुल छूट दे रखी है पानी को पी ले, मगर घोड़े तूने पानी पिया क्यों नहीं। तो घोड़ा अपनी जबान में बोलता है, ऐ इमाम हुसैन, हजरत अब्बास आपके नाम पर, हुसैन के नाम पर कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी है मैदान करबला की जमीन पर, मैदान करबला पर अभी उन लोगों की गर्दनों का खून सूखा नहीं है, अरे उनको उनको छोड़े बगैर मेरी कैसी मजाल के मैं पानी पी लूं। घोड़े ने अपनी जबान में कहा था, अब्बास हम जानवर जरूर है मगर हुसैन के गद्दार नहीं है। लगा लगा अब लगा नारा, इधर लगाओ, कौन बोल रहा था नारे में, ठंडे पड़ गए, चलिए अब नहीं लगाएंगे, अब ये रुक के लगाएंगे, रुक जाइए रुक जाइए, मोहब्बत से बोला थोड़ा सुभान अल्लाह। मैं जानवर जरूर हूं मगर गद्दार हुसैन नहीं, गद्दार हुसैन नहीं। घोड़े ने पानी ना पिया, अब्बास ने बहुत का ना पिया कि चल ना पिया कोई बात नहीं, हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़े। इमाम साहब ने अभी बयान किया, उसको बयान किया जा चुका, जब आगे बढ़े थे तो आपने सुना अभी इमाम साहब की जबानी, तो मौलाना शमसुद्दीन साहब की जबानी कि आपके बाजुओं पर जो बार हुआ तो एक बाजू कट गया, एक बाजू से घोड़े की लगाम को संभाला और एक बाजू से एक अपने हाँ अपने मुंह से घोड़े की लगाम को संभाला और एक बाजू से तलवार को चलाया, ढाल का पता नहीं, यानी एक ही तलवार से हमला भी करें और उसी तलवार पर वार भी रोके। है कोई इस्लाम की तारीख में ऐसा बहादुर जो एक ही तलवार की धार से वार को भी रोकता हो और वार करता भी हो? है कोई तो लाओ मैदान में निकाल कर, हम भी तो उसका हुलिया पहचाने, हम भी तो देखें कि कौन से खानदान का है। हाँ अगर कोई है तो खानदान अली का है, वो अब्बास है जो एक ही तलवार से वार भी करे और दुश्मनों की गर्दनों को काट कर जमीन पर भी गिरे, वो अब्बास है। यहां तक के जंग लड़ते लड़ते दूसरा बाजू भी आपका काट दिया गया, अब सिर्फ मुंह के अंदर लगाम है। अब बताओ जब बाजू नहीं है तो कोई लड़ेगा कैसे? ये भी नहीं ये भी नहीं, कैसे लड़ेगा? हजरत अब्बास अलमदार जब दोनों बाजू कट गए, तलवार जमीन पर गिर गई, हिम्मत ना हारी, इसीलिए बाज मुखरिन आपको गाजी अब्बास बोलते हैं, इसीलिए गाजी बोलते हैं। हजरत अब्बास के दोनों बाजू कटे, मशकीजा गिरने की कगार पर है जो फंसा हुआ था, उसको जब देखा गिरने वाला है तो अब्बास ने अपने सर को घुमाकर दांतों से मशकीजे को संभाला, घोड़े की लगाम को छोड़ा और घोड़े को अपने हाल पर छोड़ा, घोड़ा तेरी मर्जी है जहां तू मुझे ले जाए ले चल, मगर घोड़ा लेकर जाता का खेमों के सिवा, घोड़ा चला। यजीदी चीख कर बोले, देख लो आज अब्बास जिस काम से आया था वो पूरा करने जा रहा है। अब्बास ने सकीना से वादा किया था, सकीना तेरा गला तर मैं करूंगा। अब्बास से वादा, हजरत अली असगर से वादा करके आए थे, ऐ अली असगर तेरे सूखे गले को तर मैं करूंगा। आज अब्बास वादा पूरा करने वाले, रोक लो।
कि एक यजीदी ने आपके मशकीजे पर तीर का निशाना साधकर आपके मशकीजे से तीर को पार कर दिया। मशकीजे के अंदर जितना पानी था वो धीरे धीरे सब बह गया। अब्बास ने मशकीजे को देखा तो जिस तरह से मशकीजे से पानी गिर रहा था इसी तरह से अब्बास की आंखों से आंसू के कतरे टपक रहे थे। तारीख लिखने वाला लिखता है कि मैं मशकीजे के कतरे लिखूं कि अब्बास के आंसू लिखो। अपने सफे किताब को कौन से लफ्जों से मुजयन करूं कि किन लफ्जों को जेरे किरतास कर दूं, सुपुर्दे किरतास करूं, क्या लिखूं, अब्बास के आंसू लिखूं कि मशकीजे का पानी लिखूं। इधर तो आंसू टपक रहे थे, इधर मशकीजे का पानी गिर रहा था। अब्बास सोच रहे थे कि पानी पहुंचा दूं, एड़ लगाई घोड़े के लिए, घोड़ा भागा मगर जो मुकद्दर था, जो पहले से लिखा जा चुका था, जो रब की मर्जी थी होना वही था। अब्बास अलम बरदार मशकीजे को लेकर पहुंचे, खेमे के करीब पहुंचने वाले थे कि मशकीजे के अंदर जितना पानी था वो सब का सब निकल चुका था। और सदा लगाई खेमे की ओर, तो मैंने तुमसे वादा किया था कि पानी जरूर लाऊंगा, मगर अफसोस कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी ना कर सका। अब्बास को माफ कर देना। हजरत अब्बास ने देखा कि पानी का खतरा नहीं बचा, पीछे मुड़े, लड़ेंगे तो अब कैसे लड़ेंगे, बाजू है नहीं, तलवार पकड़े तो किससे पकड़े। अब्बास ने सोच लिया बाजू तो कटी गए हैं, देखूं तो इनके अंदर जाकर केस कटे बाजुओं से ये लोग कैसे मुकाबला करेंगे, क्या फिर भी मुझ पर हमला करेंगे। सोचिए आप, जिसके दोनों हाथ ना हो वो लड़ेगा कैसे। मगर अब्बास ने जब घोड़े को एड़ लगाई यजीदियों की तरफ, तो अब किसी को डरना तो नहीं चाहिए था, क्यों अब्बास के हाथ नहीं, अब लड़ेंगे कैसे। मगर जब अब्बास के घोड़े को यजीदियों ने अपनी तरफ आते देखा तो सफों की सफे चिर गई, यजीदी पीठ दिखाकर भागने लगे। अरे मैंने कहा यजीदियों ये तो बताओ, अब्बास बगैर हाथों के तुमसे लड़ेगा कैसे, आखिर तुम भागते क्यों हो। यजीदी बोले अगर से हाथ नहीं है मगर है तो अली का बेटा। क्या हजरत, जिंदाबाद। है तो अली का बेटा, हाथ ना भी हो अगर कमाल करने पे आ जाए तो बगैर हाथों के कमाल कर दे। इंसान की अकल सोचती रह जाएगी किया तो किया कैसे। मगर इन यजीदियों ने चारों तरफ से हजरत अब्बास को घेर कर जो तीरों की बौछार की है, आपको शहीद कर दिया जाता है मैदान करबला में। आपने जामे शहादत नोश किया, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने देखा कि भाई को शहीद कर दिया गया मैदान करबला में, भाई की लाश को कंधे पर उठा कर ले गए, आंखों से आंसू टपक रहे थे। इधर जब औरतें ने सुना कि अब्बास शहीद कर दिए गए, पूरी औरतें खेमे के अंदर चीखों पुकार मचाने लगी, हाय अब्बास तुम क्यों गए थे हमारे लिए पानी लेने, हाय अब्बास सकीना को पानी लेने ना जाते, अली असगर को पानी लेने के लिए ना जाते तो शायद आज आप बच जाते। मगर चूंकि मुकद्दर था, इमाम हुसैन ने कहा सब्र करो, सब्र से काम लो, इसलिए कि इन्नल्लाहा मा साबिरीन। ऐ खैमे की औरत, तुम सब्र का दामन मजबूती से थामे रखो, अपनी जबानों से कुछ ना कहो। अरे इमाम हजरत अब्बास मशकीजे में पानी ना ला सके तो क्या हुआ, हम तक पानी ना पहुंचा सके तो क्या हुआ। मगर अब्बास ने जामे शहादत नोश किया है, अब्बास को मेरे नाना जामे कौसर जरूर पिलाएंगे। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, यही बात उस घोड़े के बारे में कही जा सकती है। वो घोड़ा अगरचे जन्नत में कोई जानवर नहीं जाएगा, मगर घोड़े के बारे में ये बात जरूर कही जा सकती है, घोड़े ने नहरे फरात से अगरचे पानी ना पिया तो क्या हुआ। अरे हुसैन का नाना तो मुस्तफा है, वो नाना घोड़े को भी सहारा फरमा दे।